मौजूद हैं जद्दा की फिश मार्केट में। हमने सोचा आज ज़बरदस्ती फिश खाई जाए, तो हम लेने के लिए आए हैं फिश मार्केट में। आपको मैं दिखाऊंगी आज कि जद्दा की फिश मार्केट कैसी है। कितने का एक लॉबस्टर? अच्छा, यहाँ पे ये रेस्टोरेंट्स भी है, आप यहीं से बाय करके जो है यहाँ पे आप बनवा सकते हैं और यहीं बैठ के आप खा भी सकते हैं। देखिए कितना नीट एंड क्लीन मार्केट है ये, और हर तरह की आपको यहाँ पे फिश मिल जाएंगी। यहाँ पे क्रैब भी हैं, प्रॉन्स हैं, लॉबस्टर्स हैं। अच्छा जी, ये वो जगह है जहाँ से हम यहाँ से अगर फिश लेते हैं तो उसको यहाँ पे साफ काटना वगैरह सब कुछ यहीं पे ही होता है, और इसके लिए पहले वो काउंटर पे जाना होता है। इसको उठा के दिखाएगा, इसको उठाएगा। कम किलो आजा। ये देखें शेल्स, स्क्वाइड्स, मुख्तलिफ किस्म के प्रॉन्स हैं यहाँ पे, और ये ऑक्टोपस भी मौजूद हैं। इनको मैंने बता दिया था कि हाथ तक आके चेक करते हैं दबा के ना, तो अब ये हर मछली को यही करते हैं। पुराना वाला मच्छी से सीधा बोला मैं, ये मच्छी अच्छा है। जी तो मुबारक हो, मछली डन हो चुकी है और अब हम ले रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हम फिश का वेट करवाते हैं और वेट के हिसाब से फिर ये बनाने के पैसे लेते हैं, और ये हमें एक स्लिप दे देते हैं, फिर वो लेके फिश के साथ जाते हैं अंदर, और यहाँ पर फिश को साफ और कटवाना सब कुछ होता है। उसके बाद फिर आप चाहें तो घर ले जाएं, चाहे तो यहाँ रेस्टोरेंट से वहाँ से आप बनवा भी सकते हैं अपनी मनपसंद जैसे आप चाहें। कितना बड़ा और कितना एक मुनज़्ज़म तरीका है हर चीज़ का, कि आप पहले यहाँ से फिश बाय करें, फिर उसका वेट करवाएं, फिर यहाँ से कटवाएं, हर चीज़ का एक तरीक़ेकार है। यहाँ पे आप अपने जो है वो स्लिप लेकर आइए और दे दीजिए, और ये आपको काट के जैसे आप चाहें वैसे कटवा सकते हैं।